नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। अक्षर छोड़ा आपने यहाँ टेक्निकल अक्षर चैनल दोस्तों बच्चे को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लिए, साथ में लाइक पर क्लिक कर दीजिए। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आपका पैन कार्ड कब, कैसे और कहाँ पर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि पैन कार्ड ऑनलाइन घर बैठे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं खुद से, और पैन कार्ड में अगर आप करेक्शन करना चाहें तो वो भी आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और पैन कार्ड रिप्रिंट कैसे कर सकते हैं उसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है। तो इन सभी वीडियो पे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि भाई हमने पैन कार्ड अप्लाई कर दिया है तो अब पैन कार्ड हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ये सब आपको यहाँ पर मैं स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ और आपको लाइव अनबॉक्सिंग करके पैन कार्ड दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, आपको स्टेप बाई स्टेप सब कुछ बताते हैं। वीडियो शुरू करने में छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक हमारे वीडियो को अपने लाइक नहीं कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक करते थोड़ा अच्छा लगता है, वीडियो पर मज़ा आता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए भाई। तो जब आप नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या फिर पुराने अपने पैन कार्ड में करेक्शन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो अप्लाई करने के बाद में 5 से 10 दिन के अंदर जो है आपका एक नया पैन कार्ड आपके उस एड्रेस पर भेज दिया जाता है जो एड्रेस आप देते हैं अप्लाई करते समय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था और मेरा जो है पैन कार्ड बाई स्पीड पोस्ट हमारे एड्रेस पे आ चुका है, मुझे मतलब मिल गया है हमारा पैन कार्ड। तो अब इसको हम अभी मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा होता है इसके अंदर पैन कार्ड और किस तरह से मिलता है। अब अगर आपका 5 से 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया है अप्लाई किया आपको और आपको अभी तक पैन कार्ड नहीं मिला है, तब आपको क्या करना है तो इसके बाद मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये सब कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कहाँ है आपका पैन कार्ड। सबसे पहले मैं इसको खोल के अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ, तो इसे मैं फटाफट यहाँ पर खोल लेता हूँ। अभी ये हमारे लिफाफे में आया है तो इससे हम खोल देते हैं। यहाँ NSDL से आया है, इसे देख सकते हैं, उसको अलग रखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पैन नंबर लिखा है, ये सब लिखा है, इसको हम इसे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये पैन कार्ड जो है चिपकाया हुआ है इसमें, इसे हम यहाँ से उजाड़ लेते हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, जो लेटर है इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी है कि आप पैन कार्ड में दोबारा सुधार कैसे कर सकते हैं, ये सब कैसे कर सकते हैं, तो इसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमने इसे अलग कर लिया है पैन कार्ड अपना, और यहाँ पे जैसे एड्रेस लिखा होता है नीचे जहाँ पे जाना है ये, और उसके बाद जैसे मैंने अंदर बताया इंस्ट्रक्शन इसमें लिखा है कि कैसे पैन कार्ड आप जो है करेक्शन वगैरह कर सकते हैं अगर आप इसमें कुछ गलत है तो इसको मैं अभी अलग रखता हूँ और इससे निकालता हूँ। ये ऊपर कवर दिया हुआ है एक, और इसके अंदर है PVC प्लास्टिक पैन कार्ड। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कवर है, इसको तो मैं अलग रखता हूँ। इसमें एड्रेस वगैरह लिखा है कि अगर आपको कहीं गलत मिल जाता है तो इसे मतलब आप वापस भेज सकते हैं। अब इसमें भारत सरकार का होलोग्राम यहाँ पे है, तो ये ओरिजिनल पैन कार्ड में ये सबसे पहले देखना चाहिए होलोग्राम, उसके बाद पैन नंबर होता है और नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, ये सब होता है। इसमें सबसे पहले पुराना जो पैन कार्ड होता था उसमें ये QR कोड नहीं होता था, इसमें QR कोड है, इसे अगर स्कैन कर लेंगे तो सारी पैन की डिटेल आपके सामने शो कर देगी। ठीक है, तो ये हमारा पैन कार्ड है। इस तरह से पैन कार्ड आता है बाई स्पीड पोस्ट अप्लाई करने के 5 से 10 दिन के बाद में आपके एड्रेस पर। तो अगर आपका 5 से 10 दिन के बाद ज़्यादा हो गया है मतलब, और आपको अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं मिला है तो क्या करेंगे, तो आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको उस समय एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, तो उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं अपने पैन कार्ड को कि अभी आपका पैन कार्ड कहाँ पे है, मतलब पैन कार्ड अप्रूव हुआ है या किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है या अभी कहाँ पे है, अगर स्पीड पोस्ट से वो भेजा गया है तो अभी कहाँ पहुँचा है, ये आप ट्रैक कर सकते हैं। तो कैसे ट्रैक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे आप अपने पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को और कमेंट जरूर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय।